बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रशिया ने पहली बार अपने लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन की तशहीर की है। माय नेम इज बिलाल और आप देख रहे हैं जांबाज। दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो अपने दिफाई और तरक्याती मामलात को आया नहीं करते, मगर वहीं कुछ ऐसे भी ममालिक हैं जो कभी छुपा कर दुनिया को चुकन्ना करते हैं तो वहीं जाहिर करके भी हैरान कर देते हैं, जैसे रशिया। अब खबर है कि रशिया ने अपने लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन की तशहीर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने लॉन्ग रेंज स्ट्राइक और रिकॉनिसेंस वर्जन्स की तस्वीर रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के जेरे साया शाया होने वाले 2021 के कैलेंडर्स में की है। इन अनमैन एरियल व्हीकल का नाम ओरियन बताया जा रहा है रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से। कैलेंडर में मौजूद तस्वीर में ड्रोन के परों के नीचे मिसाइल होल्डर रैक्स को देखा जा सकता है। ओरियन ड्रोन एक दरमियानी ऊंचाई पे तवील मुद्दत तक उड़ने वाला ड्रोन है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा वजन लेकर उड़ने की सलाहियत 1 टन है और 200 किलो वजनी मिसाइल लेकर जा सकता है। यह ड्रोन 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसकी परवाज का दौरानिया 24 घंटे है और इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा है। ड्रोन के अलावा इस कैलेंडर में 5th जनरेशन सुखोई Su-57 स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट्स की भी तस्वीर थी। इसके अलावा BMPT-72 टर्मिनेटर टैंक सपोर्ट कॉम्बैट व्हीकल और हैवी अरमाता फाइटिंग व्हीकल को भी देखा गया है, जो इस बात का सबूत है कि रशिया फिर से ताकतवर हो रहा है और उसकी दिफाई सनत भी तरक्की कर रही है। वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।